तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय कोटा परिसर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन का लोकार्पण किया गया। कोरोना के चलते लोकार्पण समारोह वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ, जिसमें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। डॉक्टर गर्ग ने कहा कि कॉलेजों की ओर से स्टूडेंट्स को मात्र परीक्षा लेकर ही उनको डिग्री दिए जाने का कार्य न किया जाए, साथ ही राष्ट्र के निर्माण के लिए स्टूडेंट्स में नेतृत्व क्षमता का विकास भी किया जाए। वहीं मंत्री धारीवाल ने कहा कि मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन भी डॉक्टर सुभाष गर्ग के अथक प्रयासों का सुपरिणाम है, जिसके चलते 2 करोड़ रुपए की लागत से कोटा में 12,217 वर्ग फीट में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन का निर्माण करवाया गया है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के स्थापना के बाद जो प्रगति इन 2 वर्षों में तकनीकी शिक्षा मंत्री गर्ग साहब के नेतृत्व में हुई है, निश्चित तौर पर मैं उसकी सराहना करता हूँ। आज जो जिस भवन का लोकार्पण हुआ है, उस लोकार्पण से भी जो है निश्चित तौर पर ये तकनीकी शिक्षा इस छात्रों को, छात्राओं को और वहाँ के तक शिक्षकगणों को सबको जो है काफ़ी कुछ ताकत मिलेगी। तो जो काम ज़रूरत के काम हैं, उन सब कामों को हाथ में लेने के लिए जिस प्रकार से गर्ग साहब चिंतित रहते हैं और वहाँ के जो वो कुलपति हैं और उनके साथी जितने भी हैं, वो सब जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक न एक रोज़ मुझे खुशी है कि इसके कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ही करीब करीब 8 महीने हो गए, इसके बावजूद भी तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, चाहे वो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय हों, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हों, हमने ऑनलाइन के माध्यम से जो है शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम रखा है। और इस मौके पर वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से करीब हज़ारों की संख्या में वीडियो लेक्चर तैयार किए गए, जहाँ हमारे बच्चों ने उनका फ़ायदा उठाया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि इस अवसर पर करीब 2 करोड़ की लागत से राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन भवन का जो है लोकार्पण किया गया, जिसमें मल्टीपर्पज़ हॉल्स बनाए गए हैं।